आदाब, वेलकम टू वंडर विला। हम पांच, आप पांच का ख्याल रखेंगे। गाइस, ये तो चाइल्ड लेबर है यार, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ओए, तुहानू समझ नहीं आया, असि मालिक हां, नौकर शौकर नहीं। ये प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की है, लेकिन वेकेशन में इसे हम पांच चलाते हैं। ये कैसे टाइप के बच्चे हैं? वेकेशन पे भी काम करते हैं? माज़ा नाओ, कियारा। ओनर आणि जनरल मैनेजर ऑफ वंडर विला। मॉन्टू, ओनर एंड हेड ऑफ सिक्योरिटी। प्लस रूम सर्विस। गणेश, ओनर एंड हेड शेफ। जे जे पैट्रिक, ओनर एंड हेड ऑफ एंटरटेनमेंट। प्लस रूम सर्विस। लगता है इतना ही स्टाफ है। और मैं सहर, ओनर, रिसेप्शनिस्ट, हेल्प डेस्क एंड कॉन्सियर्ज। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर। अतिथि कृपया ध्यान दें, इस घर में पांच मुख्य कमरे हैं, तीन कमरे इस तरफ और दो कमरे उस तरफ। बॉयज दिस साइड एंड गर्ल्स दैट साइड। चला मैं आपको आपके रूम्स दिखाती हूँ। एक सेकंड। आई स्मेल बुक्स। यहाँ पे लाइब्रेरी है क्या? हाँ, लाइब्रेरी इस तरफ है। गाइस, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। बाय। ओए, भूख लगी है? हमेशा। I'll see you up. नॉनवेज मिलेगा क्या? I'm coming for you. क्या देख रहे हो? चलो। This way. यार, तुम्हारे खाने की मॉलिक्यूलर कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। जस्ट लुक एट दिस गाइस। नो मैन, नो, कम ऑन। सीरियसली साहिब, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? कंपोस्ट और प्रोटेक्टर से रोटियां बनाता है। घर में चूल्हे की जगह बंसन बर्नर है। गणेश, आज तुमने प्रूफ कर दिया कि खाना वही अच्छा बना सकता है जिसे खाने का शौक हो। मुझे खाने का शौक नहीं है, खाने का शौक तो मॉन्टू को है। व्हाट? ये चिकन बिंगो, तेरे से बड़ा भाई साहब है मेरा, ये देख। वैसे गणेश, मेरी शादी पे खाना तुम ही बनाना।
अब लड़का तो तिवारी की पसंद का होगा, कम से कम खाना तो मेरी पसंद का हो। वाह, गणेश का खाना और तान्या का ताना, मजा आ गया यार। वैसे तान्या ने बात तो सही बोली है ना वीर? नो तान्या, लड़का तिवारी की पसंद का क्यों होगा? तुम्हारे सामने इतना गुड लुकिंग हैंडसम लड़का बैठा है जो तुम्हें हजार बार सॉरी बोल चुका है, तुम्हारे नाम का टैटू करवा चुका है और फिर भी तुम गुस्सा हो। हाय, आई एम हर्ट। मेरे नाम में वाई नहीं आए है। आए आए, देखा फिर से आए। व्हाट अबाउट अस यार? स्टॉप इट अमर। अमर स्टॉप इट यार, वापस करियो। कितना खाता है यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था, आज तो बता दो यार। ये हीरो मेरे पेरेंट्स से मिलने मेरे घर आने वाला था। ओ नहीं जी, मैं वो नहीं हूं जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो उसका दोस्त हूँ, वो सबका एक सरदार बेस्ट फ्रेंड होता ना जी, वो मैं हूँ। अच्छा तो वो क्यों नहीं आया? आंटी और चारा की मीटिंग में जाना पड़ गया। कैसी मीटिंग? वो हुआ ऐसा, एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, एकदम ही टाइम दे दिया। अब मना तो कर नहीं सकता था ना। तो वो फिल्मों में हीरो है? नहीं जी, हीरो नहीं है। नहीं है? लेकिन बन जाएगा। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तो इस शहर में लाखों लोग आते हैं हीरो बनने का सपना लेके, अब लाखों में से किसी एक ही को चांस मिलता है जी। और मेरे दोस्त अमर है ना, लाखों में एक है जी, लाखों में। और अगर हीरो भी नहीं बना तो? दिवाली बम्बर लॉटरी आंटी, हर साल दिवाली बम्बर लॉटरी का भी टिकट खरीदता है। और देखिए लॉटरी भी तो लाखों में से किसी एक ही की लगती है, और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मेरे दोस्त तो लाखों में एक है। बिल्कुल, कॉपी पेस्ट अंकल, करेक्ट। अच्छा बेटा, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी ये दोस्त की लॉटरी भी नहीं लगी तो? अरे उसके पिताजी का स्टोर है ना, अमर स्टोर्स। अच्छा जी, वहाँ पे आलू प्याज बर्तन घर का सारा सामान मिलता है जी, और आंटी डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलता है। दुकान तो पिताजी संभालते होंगे जी? बिल्कुल। लड़का क्या करता है? आंटी कोशिश करता है ना। कोशिश? वाह, तो अड़ा कोई जवाब ही नहीं। और ये बात भी सच है कि आप और आपका दोस्त ना लाखों में एक है, उसके लिए कोई लड़की भी लाखों में एक वाली ढूंढो। है जी, हमें बस माफ करो। यार वो डायरेक्टर मेल था कि फीमेल? चख रहा है, वो रात को मिलने गया था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेल मेल। ओए पुन्नु, तू बार बार मेरा ड्रिंक क्यों पी रहा है? पिया? मैंने नहीं पिया। पिया? अरे यार, बेल्डाल बेल्डाल, शट अप। अभी अभी मैंने मग भरा था, खाली कैसे हो गया? गणेश ले, कॉफी से भी चढ़ती है क्या? हेलो, उसको चढ़ी नहीं है, छत्तर मारा मैं तेरे। लाइब्रेरी में मेरी बुक्स पे डूडल्स बना के भाग के गया। आई बिलीव यू बुन्नु, लाइब्रेरी। एक्चुअली आई बिलीव दैट टू। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? अरे आप तो हमारे गेस्ट हो, हम क्यों आपको तंग करें? तो क्या कोई भूत कर रहा है ये सब? इसीलिए फ्री स्टे दे रहे हो? गाइस यार, मैं सुसु जाने वाला था यार। हॉरर फिल्म्स में भी ऐसा ही होता है, जब कुछ दोस्त एक ऐसी जगह पे चिल कर रहे हो तो उनमें से एक दोस्त को सुसु आता है। हाँ, फिर जब वो जाता है तो बहुत देर तक वापस लौटता नहीं, और फिर उसे ढूंढने दूसरा दोस्त जाता है, वो भी नहीं लौटता। फिर दो लोग उन दोनों को ढूंढने जाते हैं, एक लड़का, एक लड़की, और वो भी नहीं लौटते। एक लड़की जो अकेली बैठी है वो डर जाती है। अचानक दो
सुसुआ है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हमें भी जाना पड़े। मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया गाइस, मैं नहीं जा रहा सुसुआ करने। फट्टू अबे जाना यार, कॉफी देना प्लीज। किसी को चलना है? सुसु जाएगा। अगर चलना जल्दी झाड़ी में चलते। अरे अरे आराम से भाई, इतना क्यों डर रहा है? भाई जिन चीजों का साइंस के बाद जवाब नहीं होता ना, उनसे डर लगता ही है। भाई तुझे लोरी सुनाई दे रही है? भाई मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बस अंधेरे में तीर मार रहा हूँ। अबे सुन ना, आवाज आ रही है मुझे यार। भाई मेरा तो हो गया, बुन्नु बुला रहा, निकलते हैं। चल चल मैं आ रहा। चलो 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 चलो। ये टीवी को भी अभी खराब होना था पता, इसलिए मैं हमेशा बड़े पर्दे में बिलीव करता हूँ, ये टीवी शो मुझे करना ही नहीं है। करेक्ट तानिया, जस्ट एफआईआर। ठीक है तो फोन पे कोई फिल्म देख लेते हैं। अबे मैं बड़े पर्दे की बात कर रहा हूँ, तू और छोटे पे आ गया, फोन पे आ गया। क्या कर रहा है यार ये, खुद तो साला टीवी तक नहीं आ पाया, हमें बोल रहा है। ए नेटवर्क आ रहा है क्या फोन पे तेरे में? ये क्या हो गया? लाइट भी गई। स्ट्रेंज। आई एम बोर्ड नाउ। एज ऑलवेज। सर। ए, हटा ना। सर। क्या है? आप बोर हो रहे हो ना? आंखों में क्यों मार रहा है? हमारे पास एक बोर्ड गेम है। आपसे पहले जो गेस्ट आए थे, वो ये गेम छोड़कर गए थे। हाँ, क्या आप लोग वो गेम खेलना पसंद करेंगे? कौन सा गेम है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, हमें तो वो खेलना भी नहीं आता है। Why not? लेकर आप। हम अभी लेके आते हैं। हाँ ठीक है लेके आओ। चलो। एक तो ये लाइट भी ना मैं। I think the game is called Blind Man's Buff. I can't see anything. बच्चे इतने अजीब क्यों हैं यार? Complicated सा game है। ये दो ही बोर्ड है। मतलब? मतलब केस पे अपनी अपनी उंगलियां रख के सवाल पूछना होता है। किससे? किसी भी मरे हुए इंसान से। डरो मत, फन गेम है। बचपन में सोनू भैया ने मेरे मरे हुए दादाजी को बुलाया था। फिर क्या हुआ? उनकी आत्मा आई? आए भी और कान के नीचे बजा के बोला, जाम वकर। कुछ भी यार बुन्नू, सीरियसली भूत वूत कुछ नहीं होता। व्हाट रबिश। अरे सच में होता है। डरो मत, चलो गाइस इन्हें खेल के दिखाते हैं। इस कमरे में कोई है? कोई और गेम खेलते हैं ना। हाँ आप लोग तो चले जाओगे कल परसों, हमें तो यहीं रहना है। चूहे, I think the rats in the attic. फूक मार के कैंडल्स कौन बुझा रहा है? हाँ। गाइस प्लीज स्टॉप इट, बच्चे डर रहे हैं। तानिया, डर बच्चों को नहीं तुम्हें लग रहा है। अरे बच्चों घबराओ मत, ये भूत भूत कुछ नहीं होता और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ कोई भूत या स्पिरिट है।
अगर ऐसा कुछ होता तो ये प्लांचर अपने आप ही हिलने लगता। भूत होता तो सामने मत आओ, सामने मत आओ। कांधे में नीचे। फ्री में इतना अच्छा एंटरटेन करते हो, पैसे लोगे तो पता नहीं क्या करोगे। मिस्टर जे जे पैट्रिक, हेड ऑफ एंटरटेनमेंट, वेरी वेल डन। और जनरल डैमेजर कियारा, वी वांट टू चेक आउट, व्हाट इज द प्रोसीजर? गाइस लेट्स गो, गाइस चलो लेट्स गो। कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। क्यों? दिस इज फाइट विद दिस। मैं क्या, जाना तो एक दिन सबको है। फिलहाल हमें घर जाने दो प्लीज। नहीं देखो, हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को मालूम नहीं हम कौन है? नहीं पता हूँ। हम बताते हैं, तालियां हो जाए हमारे तीन जजेस के लिए। बॉस्को,
सीजर एंड रफ्तार। हमारे पास चार फाइनलिस्ट हैं, जो सेमीफाइनल से जाएंगे टीआईटी फाइनल राउंड में। Our first finalist, Amit Dance Cool. Our second finalist, of course, it's very obvious, the Scorpions. Woo! हमारे तीसरे फाइनलिस्ट द पंचतारा ग्रुप। हे रॉकेट गैंग, तुम लोगों का रॉकेट अगर गलती से टेक ऑफ हो भी गया ना, तो ऊपर जाके कब ब्लास्ट होगा तुम लोगों को भी नहीं पता। फाइनलिस्ट वो है जिन्होंने पिछले 5 साल के बिना स्कॉर्पियन एकेडमी के डंक को चकमा देके अपना डंका बजाया। And they are Rocket Gang. So please a big round of applause for Rocket Gang. Scorpions. अरे जाने का जल्दी। क्या बात? Judges, आप कुछ कहना चाहेंगे Rocket Gang को? बच्चे लोग वेटिंग फॉर द फाइनल्स, क्या करतब करके बताने वाले हो, ये देखना है अभी। हम अपनी फिनाले के परफॉर्मेंस मदर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, हमारी मॉम आप सबके भी और दुनिया की सारी माओ के लिए भी। वाओ मैम, दैट्स ट्रूली अमेजिंग, क्योंकि एक तरफ जहां, एक तरफ माँ। ऑल द बेस्ट। ये कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मैं जिस गाड़ी में बैठा होता हूँ ना, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम नील होते हैं। हाँ, और तुम लोग इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि हमारी वजह से एक्सीडेंट हुआ? और किसी और की गाड़ी भी तो हो सकती थी। We really don't remember anything। हाँ, और गाड़ी मैं चला रहा था और हम किसी से नहीं टकराए। पिया, बच्चे लोग एकदम सच बोल रही है। कौन है? नील तो नुकेश। नील दिन नुकेश। ओ बच्चे लोग, टोनी। टोनी लवे। सचिन। थैंक्स टू यू। क्योंकि उस दिन बच्चे लोग का गाड़ी मैं ही चला रही थी। समझे तू? मैं बाहर कैसे गई? मैं बताती हूँ। वो आया था एक रियल एस्टेट एजेंट इस घर को बिकवाने के लिए। मैं उसका बॉडी में घुसकर इस घर से बाहर निकल पाया। ए बुन्नू, तेरा चप्पल। तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? बदला। बदला मतलब? अरे बदला मतलब बदला रे, प्रतिकारम मतलब रंग बदला, मौसम बदला वाला बदला नहीं। तो फिर
बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा भाई साहब। रिवेंज, रिवेंज। अमर, भूत भगाने का कोई मंत्र है? कोई तो कुछ करो। चल तू चला तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, आई वाला को डाल तू। जल तू जलाल तू, अब तुम्हारी बारी, नाचो। देखो हम लोग डांसर्स नहीं है तुम लोगों की तरह। ए, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम लोगों को वही करना होगा जो हम बोलेंगे। अब से तुम हमारे गुलाम हो। क्या बोल रहे हो? सॉरी। चलो अब हमारे एंटरटेनमेंट का टाइम शुरू। नाच गाना करके दिखाओ। क्योंकि नाचोगे तो बचोगे। कुछ करना अमर, कमाल है यार। देखो मैं एक्टर हूँ, मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ। पर इनका तो डांस और गाने से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट प्लीज। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, मैथ्स इक्वेशन या डिबेट वगैरह करवा लो। अबे यार तू चल पीछे, आइंस्टाइन की औलाद। अपना ही सोच ले तू बस। तुम लोगों के कारण हमारा डांस इंडिया डांस जीतने का सपना अधूरा रह गया, और उसके साथ ना उस स्कॉर्पियंस एकेडमी को उसकी औकात दिखाने का भी। बच्चों हमें सच में नाचना गाना नहीं आता है। हाँ हमारा नाच गाना देखकर तुम लोग हमें सच में मार डालोगे। ओ हेलो, बातें कम एंटरटेनमेंट ज्यादा। स्वट्टी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा, लड़ाए जो नजरिया जुल्म हुई गवा। हम तेरे हैं काला चश्मा चचदाए चचदाए गोरे मुखड़े पे। मैं निकला वो गड्डी लेके रस्ते पर, एंटर वो सड़क पे, एंटर एक मोड़ आया, मैं उठे बुक छोड़ आया। चिट्टी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा। टमाटर बड़े मजेदार है, टमाटर बड़े मजेदार है आहा, टमाटर बड़े मजेदार है। चूचे चूचे चू हिजी चूचे चूचे चू टुंग टुंग बजे, टुंग बजे, टुंग टुंग बजे बजे। पीछे जाओ टुंग ने पीछे, फिर तू ही कुछ कर ले। ये कम ऑन, क्या कर रही है? वाह टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है। वाह टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है। टमाटर बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये वाला गाना नहीं, कोई अच्छा गाना गाओ। 5 सेकंड में अगर गाना नहीं गाया तो टॉर्चर शुरू होगा फिर से। नहीं टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। अमर अमर कुछ कर। बचन बचन बचन, क्या था क्या था? अमर कहाँ यार? लूरी सब सो गए। मैं इतना चकाता हूँ क्या? ए, गाना क्यों बंद कर दिया? सॉरी बेबी भूत। ला 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 ला। शायद इसको अपना बचपन याद आ रहा होगा ना। ये कैसा लॉजिक है? यहाँ पे कुछ भी लॉजिक से हो रहा है क्या? ला 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 ला। चप्पल उल्लू।
साहिब गाड़ी निकाल दू जल्दी बैठो यार कहाँ गए अरे कहाँ है अमर अमर बाकी की सब आ जाएंगे अमर अमर चल ना यार सोच क्या रहा है अमर अरे कुछ समझाओ यार इसे अमर हम मर जाएंगे यार चल ना अमर यार पागल हो गया क्या चल ना चल 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 तो चलो जिस दिन इनको अपना गलती का एहसास होगा ना ये लोग आएगा वापस दो मिनट इनका ख्याल रखोगे मैं कुछ चीजें लेकर आता हूँ श्योर भैया को तंग नहीं करना आप ओके दादू डोंट वरी सर वाओ नाइस कार्स रेसिंग करें रेसिंग नहीं डैशिंग करेंगे पड़ा मतलब किसने रखा मैम वो हमारे हॉस्टल का जो वार्डन था ना वो स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता था कैसे आपको गुड टच बैड टच पता है ऑफ कोर्स वो बैड टच करता था व्हाट और फिर एक दिन उस रॉकेट ने उसको ऐसा टच किया कि उसके बाद से उसने हमें कभी टच नहीं किया और हमारा नाम पड़ा रॉकेट गैंग तो रॉकेट गैंग हमें ये बताइए आपने डीआईडी में आने का फैसला कैसे किया हम सबकी माओ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है हम सब ये कंपटीशन हमारी मदर्स के लिए जीतना चाहते हैं
फिनाली की परफॉर्मेंस मदर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। तुम लोगों के कारण हम मरे। तुम लोगों के कारण हमारा डांस इंडिया डांस जीतने का सपना अधूरा रह गया। गाड़ी तो मैं चला रहा था, सेल्फीज तो मैं ले रही थी, अमर ने तो मना भी किया था, but I forced him for that selfie. मुझे भी पता था it's dangerous. Oh my God. मगर मैंने भी कुछ नहीं किया। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है गाइस, तुम सब इस गिल्ट के साथ कैसे जियोगे? मैं तो सो रहा था ना। क्या बोला तूने? मैं सो रहा था पिया, मैं एक्चुअली नहीं बुन्नू, मैं सो रहा था का क्या मतलब है? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हम लोगों ने 5 बच्चों की जान ली है बुन्नू? अरे पिया नहीं, एक सेकेंड, तुझे मजाक लग रहा है क्या? ये मैं मजाक नहीं, प्लीज टेल मी, ये मजाक कर रहा है? अगर मैं जागा होता तो शायद कुछ करता ना इस सिचुएशन के बारे में। नहीं लेनी ना, रिस्पांसिबिलिटी की बात ही नहीं है। तू हमारे साथ था या नहीं था? अगर तुझे सेल्फी लेना होता तो गाड़ी रोक सकती थी ना। गाइस काम डाउन, बुन्नू हर चीज को बोलने का एक सही समय होता है यार, तू कभी भी कुछ भी बोलता है। कैसी गलती हुई है उसे हम सुधार तो नहीं सकते, पर उन बच्चों के लिए कुछ सही करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आई हैव अ प्लान, इट्स बिजार एंड यू विल नॉट लाइक इट। सॉरी बच्चों। लेकिन अब सॉरी बोलने का क्या फायदा, हम जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे। देखो हम जानते हैं कि हमारे सॉरी से तुम जिंदा नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अधूरा सपना पूरा करने की मदद जरूर कर सकते हैं। कैसे? तुम लोग इस साल डीआईडी में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कैसे करेंगे, हमें तो कोई देख भी नहीं सकता है। हमारी बॉडीज यूज करके। बच्चों टोनी भी तो किसी रियल एस्टेट वाले की बॉडी में घुस के बाहर निकला था। वैसे ही तुम लोग हमारी बॉडीज यूज कर लो। बॉडीज हमारी, टैलेंट तुम्हारा। एक मिनट, शक्ल इनकी होगी, नाम भी ये कमाएंगे, हमको क्या मिलेगा?
हमारा नाम लोगे स्टेज पर? प्रॉमिस प्रॉमिस बैचलर आ बहन को अपना जलवा दिखाओ रे गाइस टोनी कहाँ है इधर ही था ना यही तो कहाँ है यही तो था पता नहीं टोनी चल आजा का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस जो है डांस का जंगी स्पा हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टीआईटी डांस की दुनिया का महासंग्राम आज टीआईटी के ऑडिशन राउंड शुरू होने वाले हैं And just look at the excitement. Itne log yahan maujood hai aur main excitement dekhiye. Over to you, Tanaz. Of course, Bakhtiyar. It's total madness over here. Desh bhar se log yahan aaye apna kismat try karne ke liye. Ho sakta hai is show ke zariye apni kismat hi badal jaye. Let's go to some. Hey guys, welcome. Hi. Hi. Aap log ka naam? Rocket Gang. Rocket Gang. जी हम फैंस हैं उनके हमारे साथ पिछले साल भी एक रॉकेट गैंग थी जी हम उन्हीं का सपना पूरा करने आए That's fantastic. Then go ahead, Rocket Gang. Rocket. Thanks. See you all in the audition round. Welcome to TIG. तनाज तुम्हें पता है हमारा अगला जज कौन है? Chalo guys. 3, 2, 1. And action. और हमारे नेक्स्ट जज है द टैलेंटेड ड्यूओ बॉस्को एंड सीज़र अब शुरू करते हैं ऑडिशन राउंड ग्रुप जो आ रहा है रॉकेट गैंग सो प्लीज गिव देम अ डीआईडी स्टाइल राउंड ऑफ अप्लॉज
रॉकेट गैंग, दैट वाज अ सटैक वाला अटैक परफॉर्मेंस। सुना है आप डीआईडी जूनियर रॉकेट गैंग के फैंस हो एंड आपके मूव्स भी उनके जैसे कड़क थे, सो कीप इट अप। आपका हॉरर एक्ट देख के वाकई में लग रहा था कि आप पोसेस्ड हो। आई मीन इट वाज फैंटास्टिक। रॉकेट गैंग 2.0, वेलकम टू डीआईडी। कमेंट्स कितने बढ़िया थे ना। हमारा नाम क्यों नहीं लिया? अरे हमने कहा ना, हम रॉकेट गैंग हैं। सिर्फ रॉकेट गैंग नहीं, हम सबका नाम लेना था। ऑडिशन राउंड में क्या कहते कि हमें भूत दिखते हैं जो हमारे अंदर घुस के डांस करते हैं? हाँ बरोबर है, ऑडिशन राउंड में गेट आउट कर देते। गाइस, वी हैव क्लियर्ड द ऑडिशन राउंड, वी शुड सेलिब्रेट। लड़का न्यूयॉर्क के बिजनेस हब मैनहट्टन में रहता है। अच्छा, शादी के बाद इसी बहाने अमेरिका घूम शू माना। वहाँ के बड़े फर्म में इन्वेस्टमेंट बैंकर है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, सवाल उठता है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर इस रिश्ते में क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर आपकी टानिया इसी तरह डांस वांस करती रही तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी को करना होगा टाटा बाय बाय। फिर यही कहीं ढूंढ लेना कोई लोकल शोकल, पिंकी वी आर डन हियर। और मेरी राय में वो लोकल शोकल भी नहीं मिलेगा। दिवाली जी, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझाओ इसको। कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी का जो मन करेगा वो वही करेगी। अगर वो डांस में जाना चाहती है तो वो डांस में जाएगी, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है तो वो स्पोर्ट्स में जाएगी। हर किसी को अपने सपने जीने का पूरा हक होना चाहिए। आपका जो मन करता है वही करो, मेरी अम्मी कहती थी। ये इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? कौन है ये? मेरा स्टॉकर। अच्छा, स्टॉकर मतलब? मतलब ऐसा बदतमीज इंसान जो साय की तरह पीछे ही पड़ जाता है। इग्नोर हिम। डांस अमर, तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ? तू तो एक्टर बनना चाह रहा था ना, अब ये डांस का शौक कहां से पाल लिया? डांस में क्या बुराई है पापा? बेटा, बुराई किसी भी काम में भी नहीं है, बस उसे शिद्दत से करना चाहिए। पता नहीं कौन सा भूत सवार है। भूत ही तो है पापा। Please welcome our special judge, is choreographer, writer, director, Farah Khan. Guys, अगली टीम जो परफॉर्म करने वाली है वो इस साल की वाइल्ड कार्ड एंट्री है, The Scorpions.
माय गॉड दिस वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग मतलब भेजा उड़ गया यार रॉकेट गैंग यू गाइस आर नेक्स्ट इट्स शो टाइम गाइस लेट्स गो आजा स्कॉर्पियंस की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हमारे अगले कंटेस्टेंट है रॉकेट गैंग ओहो क्या बातें चमकी चमकी अबे ये मोटी तो स्टेज तोड़ देगी काहे बोलस ये स्टेज तोड़ेगी मैं तेरा मुंह तोड़ देगी समझता क्या अपने आप को है ए चल 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 परफॉर्म कर फिर बाहर मिल चल गाइस वी हैव टू फोकस नाउ या या चलो कि मैं ऐसा डांस कर सकती थी isn't it fantastic so judges आपको कैसा लगा हमारा rocket gang rocket gang it was electrifying grand premiere performance I think so you know keep it up it was a great fusion concept मेरे लिए था ये सटैक वाला अटैक परफॉर्मेंस आई थिंक बॉस्को सीजर ने सभी कुछ कह दिया बट आई थॉट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्ट्स यू आर सो एनर्जेटिक एंड टेक्निकली परफेक्ट ऑल आई वुड से स्कॉर्पियंस Watch out for Rocket Gang. सर बोल रहा था मुझे डेंगू हो गया और यहाँ सेल्फी खिंचा रहे लड़कियों के साथ क्या बे सेल्फी खिंचाते आज क्या रे बोलो तेरे को डेंगू हुआ था ना डेंगू में इंसान चल नहीं सकता और तू नाच रहा है वो भी नेशनल टेलीविजन पे तू तो स्टार हो गया यार बोल स्टार सर आपने तो बोला था शो में जाने को मैंने बोला कब बोला बुनू एक सेल्फी प्लीज कब बोला मैंने अच्छा नहीं बोला ओ शायद डेंगू का बुखार सर पे चढ़ गया था ना इसलिए झूठ पे झूठ तूने अगर ये शो नहीं छोड़ा ना तो ये नौकरी जरूर छूट जाएगी समझा चल स्माइल Hi Pia. Hi. हम next week एक बहुत बड़े cosmetic brand के लिए ad shoot करने वाले हैं. Okay. Would you like to style our models for it? Wow. Thank you so much, ma'am. It's an honor. पर मैं नहीं कर पाऊँगी. I'm sorry. मुझे बुरा लग रहा है. हमारे कारण पिया ने इतना बड़ा ऑफर मना कर दिया तो अभी भी जिंदा है ना आगे भी चांस मिल सकता है यहाँ लोग फॉरेन कंट्री में बैठे लोगों को वीडियो कॉल में देख सकते हैं उनसे बातें कर सकते हैं लेकिन हम जैसे लोग ना जो असली टैलेंट दिखाकर नाच रहे हैं ना उन्हें कोई नहीं देख सकता Fantastic, unreal, superb scorpion.
अमेजिंग यार। मोंटू, ले लेंगे हमारा नाम, अभी इतना टाइम दिया है, थोड़ा और दे दे। आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। आई थिंक मत बोल यार। अमर, तुम बच्चों का नाम क्यों नहीं ले रहे? सही टाइम आने पे लूंगा, जस्ट ट्रस्ट मी। टाइम? अमर, गॉड नोस तुम्हारा ये टाइम कब आएगा। तुम जब देखो भड़कती क्यों रहती हो? ये योगा तुम पे असर नहीं कर रहा भाई। तभी मुझे वो पास करियो, करना ही बेकार है ये। यू गाइस, मैंने कुछ कहा अभी? यार तू उसे हमारे प्लान के बारे में क्यों नहीं बता रहा? पहले हमें तो पता चले ये प्लान काम भी कर रहा है या नहीं। कॉपी पेस्ट। मैं सही कर रहा हूं क्या? मुझे कैसे पता यार साहब। हां अमर निकल जा, मैं निकल रहा हूं। हां बाय बाय। ओए इधर। सर मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी तो कस्टमर ज्यादा है, ओवर टाइम करना पड़ेगा ना। वी हैव रिस्पांसिबिलिटीज, कम ऑन क्विकली चेंज। सर सब लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ। ये काय कर रहे सर? इस देश में ऐसे बहुत सारे शोज होते रहते हैं, शो खत्म, तू भी खत्म, समझा? उसके बाद यहां मत आना नौकरी की भीख मांगते हुए। ब्लडी मेस, इधर उधर क्या देख रहा है? माँ खराब है तेरा। असमत, तेरे को वर्क एथिक्स नहीं है। व्हेनेवर यू आर कमिंग, यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। और हंसा है यहाँ पे बहाने देता रहता है। यू आर नथिंग बट वन ब्लडी मेस। ऑफ कपाल के रखा है मैंने। व्हाट आर यू डूइंग? देखते हैं इससे नौकरी कौन देता है। इधर दिखा, इधर दिखा। यार इसके बॉस को देखो यार। यार रॉकेट गैंग छा गया, पूरा ऑफिस तेरे लिए वोट करेगा। क्यों गाइस? थैंक यू गाइस। वैसे ऑफिस आना कैसे हुआ? वो क्या है ना, मैं अपने पुराने दोस्तों को कैसे भूल सकता हूँ। अरे मैकेनिक साहब, बड़े दिन बाद। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या है सवेरे से बाथरूम का फ्लश खराब है? बहुत बदबू आ रही है जी। चाहिए अपने हाथों का जादू दिखाइए, चलो। अच्छा। What I'm going to present in front of you is a research of 6 months. Just keeping in mind one thing, your needs. What do you need? And we have the answer. Yes. Shall I? Shall we? Sure. सॉरी, पता नहीं कैसे उतर गई। ओह
क्या कर रहे हो तुम? सर ये मेरी नहीं है सर, मैंने नहीं बनाई है सर, सर मैंने नहीं किया सर, सच बता। What is this? Is it your presentation or your own MMS presentation? I can't handle this anymore. This deal is cancelled. I'm leaving. Sir, please don't jaiye. Sir, hat jayega, hat jayega. Sir, hat jayega. Sir, you idiot. Sir, maine nahi kiya. Shit. अभी पांडे एप्पल खाएगा क्या? लगता है किसने तेरे साथ एथिकल हैकिंग करी है, विच ऑफ कोर्स मींस हैकिंग फॉर गुड। मगर क्या है ना, किसी को तेरे दिमाग के साथ भी हैकिंग करनी चाहिए यार। तुझे पता है क्या, मैं आजकल टेक प्रॉब्लम्स के साथ साथ ना इंसानों को भी ठीक कर रहा हूं। सारा देश इंतजार कर रहा है डीआईडी की फिनाले का। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? स्कॉर्पियन स्कॉर्पियंस रॉकेट गैंग बहुत मजा आता है ना मेरा पीछा करने में। अब तेरे पीछे जो लगने वाला है ना, बैंड बजने वाली है तेरी। शॉपिंग करने कहाँ जाना पसंद करोगी, दुबई या फिर यूरोप? मैं सोच रहा था इस बार दुबई होकर यूरोप चलेंगे। कहीं नहीं जाएगी। जस्ट अ सजेशन पिंकी, ये मांगलिक वांगलिक कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे होने चाहिए। और एक और बात, ये तिवारी जैसे फ्रॉड आदमी से तो दूर रहना ही बेटर है। आवाज करिए।
तानिया तुम यहाँ कैसे? कैसे? ओह शिट। पैसे। बेचारे माँ बाप के इमोशंस के साथ खेल के अपने बिजनेस के लिए दूसरों की लाइफ बर्बाद करते हो, रिश्तों के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें प्रोडक्ट की तरह बेचते हो और फिर उन्हीं टूटे हुए रिश्तों की दावत खाते हो। बड़ा शौक है ना लोगों के घर शादी का लड्डू ले जाने का। आज तो सारे लड्डू जिंदगी भर के एक रात में खाएगा। I wish, but ये लड्डू शुगर फ्री थे। Guys, किसी ने हमें टैग किया है। See? एक साल हो गया यार। Today is a special day. आज हम अपने प्यारे रॉकेट गैंग की याद में सारे इकट्ठे हुए हैं। Let's remember the departed soul. रॉकेट गैंग के फैंस हैं। उनके नाम से डीआईडी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हम बस यहां आपकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं और वहां पे आपको इनवाइट भी करना चाहते हैं। हमारी एक विश है, कैन वी गेट अ हग? आधे लोग यहाँ पे आ जाइए प्लीज, पैक करो उसको। थैंक यू मैम, ये रहा आपका सामान और ये बिल। श्योर, सॉरी मैम, आपका बिल आप कैश मार दीजिए प्लीज। अमर, इट्स हाई टाइम, बच्चों का नाम ले लो। तानिया, ट्रस्ट मी, मैं लूंगा, इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम। ट्रस्ट यू। कैसे अमर?
तुमने आज तक मेरे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की और ना अपने डैड के काम की है। तानिया, I'm serious. हमर, प्लीज। Honestly, I don't know कि तुम सीरियस कब हो और एक्टिंग कब कर रहे हो। ऐसे लगता है जैसे हम सब तुम्हारी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, जो तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तानिया, मैंने बच्चों के लिए कुछ प्लान किया है। I can see. तुमने क्या प्लान किया? तुम इस शो के फेम को यूज करके अपने फिल्म के ऑडिशंस देने में ज्यादा बिजी हो। तुम्हें सीरियसली ये लगता है? पता है, जिस प्रोड्यूसर की मीटिंग के कारण मैं तुम्हारे मॉम डैड से नहीं मिल पाया था, आज इस फिल्म का फाइनल लुक टेस्ट है। But I'm here. It was simply mind blowing. तुम लोगों को देखकर मुझे रोमांटिक फील हो रहा है। तुम्हें जो कुछ भी फील हो रहा है, जजेस आपको क्या फील हो रहा है? Whoa, Rocket Gang. I think you guys were magical. और सबसे अच्छी बात है कि आपके परफॉर्मेंस में एक स्टोरी थी। You got me. लेकिन बॉस को टेरेंस, मुझे लगता है कि टानिया एंड अमारा इन लव। Whoa. I think love is in the air. सर, दिल की बात तो डांस में दिखी जाती है। अरे यार, अमर, सो ट्रू, बिकॉज आपके डांस में वो केमिस्ट्री दिखी। थैंक यू। दिस वॉज अ चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। Yes, fantastic! Woohoo! I'm waiting for the next performance! Rocket Gang! Woohoo! Yes, we know. Scorpions are the best. Team Rocket Gang, आपको DID के फिनाले तक पहुंचकर कैसा लग रहा है? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डांस के सबसे बड़ी स्टेज पे एक दिन हम होंगे। हमारे फैंस के प्यार की वजह से आज हम यहाँ हैं। I mean, इस शो ने हम सबकी लाइफ में एक नया मोड़ ला दिया है। Wow, that's great. और ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हम सब आज यहाँ इस मंच पर खड़े हैं। Actually, हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फिनाले को लेकर। Oh, wow, that's great. क्योंकि इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम ऑडियंस कुछ बहुत अलग देखने वाली है। What's up, Jokers? हाँ चलो। पता है, पिछले बार भी हमारी एकेडमी के अगेंस्ट कंपीट करने एक रॉकेट गैंग आया था, पर हमारे डर से उन लोग का रॉकेट तोड़ गया। हमेशा के लिए। अब तुम लोग फिर से आए हो और तुम सब भी उड़ी जाओगे हमेशा के लिए। कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। पता नहीं कब भगवान किसकी बात पे तथास्तु बोल दे। अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बच्चर, बच्चर। सुनना, ज्ञान देना बंद कर। दम है ना, आज क्लब निर्वाणा। आ जाना। नो रूल्स, नो जजेस। ऑडियंस डिसाइड करेगी हु इज द बेस्ट। गाइस, अवॉइड यार। हट रहा है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या बात है हीरो, अब तू इस लड़की से परमिशन लेगा आने के लिए भी? तेरे बाप ने भी तेरी माँ से परमिशन ली होगी। तब जाके तू पैदा हुआ। क्या बात कर रहा है? व्हाट्स अप बेबी, दिखा दे इनको इनकी औकात। तथास्तु। बच्चों, मजा चखा दे इन्हें। होगा, हमारी याद अब आई। तब क्यों नहीं आई जब मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे? और तुम सबकी लाइफ ने एक नया अवार्ड लिया है ना? क्या मतलब? वो मोड कौन लेकर आया है ये नहीं बताया? फैंस का प्यार तुम सबको यहाँ तक लेकर आया है ना?
अर्जुन फैंस को बुला रहे हो यश? ये लड़ने का टाइम नहीं है गाइस, वी आर ए टीम। वी आर नॉट अ टीम। और आज रात हमारे बिना ही स्कॉर्पियंस को अपना चमत्कार दिखाना। What do we do? जाओ जलील होकर आ जाओ। I'm sorry, I can't. मैं आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। It looks really bad. It's a proper fracture. अगर आप अभी डांस करोगे, it will really harm your health. Let's pray that he recovers soon. Yeah, he should. डॉक्टर इसे दुआ की नहीं दवा की ज़रूरत है। Yeah, but मैनेज कर लूँगा। नहीं। फाइनल्स बस दो दिन दूर है, हम सबने बहुत मेहनत की है। मैं अलाउ ही नहीं कर सकती आपको। Amar, you can't take this lightly. ये lifelong problem बन सकती है। She's right. Guys, as per the rules, आप perform नहीं कर पाओगे। No, guys, there has to be a way. Sorry, but हमें आपको disqualify करना पड़ेगा। लेजर यहाँ से निकलेगी और यहाँ स्ट्राइक करेगी। जब हमारा टाइमर रन आउट हो जाएगा तो इस एरिया पे इल्यूजन होगी। तो रेडी है ना? बताएं? बता दे। ओके गाइस, तुम्हें एक सीक्रेट जानना है जो अभी तक सिर्फ मुझे और साहिब को पता है। मोंटू, मेरे के सामने खड़े हो ना। साहिब, you're up. क्या कर रहे हो तुम लोग? If this is some stupid prank, ready guys. पुनु, जा मेरा रोटेट कर। डरना मन्ना है, जस्ट कीप द जोश, क्योंकि आज है DIG, द बैटल ऑफ द चैंपियंस। और आज के हमारे चार फाइनलिस्ट हैं कथक रॉकर्स, अनरियल क्रू, द स्कॉर्पियंस एंड रॉकेट गैंग। प्लीज वेलकम द सेंसेशनल, द ग्लैमरस नोरा फतेही। के लिए सबसे पहले हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मेरी बर्थ साइन, मेरी राशि, ये कभी नहीं सुधरेगा। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द स्कॉर्पियन। मेरा फ्लो जंप मैन जैसे जॉर्डन, ध्यान रखूं सब का मैं जैसे कोई वार्डन, कभी करूं बोर्डिंग फ्लाइट इंडिया में कभी फॉरेन, मैन करे फ्लाई वी बी फ्री जैसे मॉर्गन। ऐसे गालों पे हो जाते शामिल, ऐसे गालों पे होना है मुश्किल, मैं हूं गोकू किससे भिड़ाएगा, बेटा खामा खामे तुका में हमें हकाएगा।
amazing. They were fantastic. You guys killed it. But you already know where my heart lies. So presenting Rocket Gang! Let the fireworks begin! Stage pe ab bulate hain hamare next contestant, the Rocket Gang! Switch to camera 4, guys. Jimmy Jib, Jib camera in. आज हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं. क्या नाटक लगा रखा है भाई ये लोगों ने? हमारी एक स्टूपिड सी सेल्फी के चक्कर में 5 बच्चों की जान चली गई. सर क्या बोल रही है? कट करें? चलने दे, टीआरपी के लिए अच्छा है. Rocket Gang. Camera 3 on our. Yeah. Zoom karna. Lekin kismat ne hame unse phir se milwaya. अभी आपने हमारे बारे में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, सब झूठ है. क्योंकि अब तक इस स्टेज पर हम नहीं, हमारे अंदर से आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे थे. के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का सपना हमारा नहीं था. आपके बच्चों का था. हम तो बस एक जरिया थे उनका अधूरा सपना पूरा करने का. तो आज इस स्टेज पर वही परफॉर्म करेंगे. So for one final time, ladies and gentlemen, please put your hands together for the original Rocket Gang. I think it's a part of the act. Quite interesting, huh?
तो थे सब बच्चे।
सर खोल दो यार, अब तो बच्चे भी आ गए, प्लीज। आप यमदूत हो? डूड नहीं, दूत होता है, और नहीं मैं यमदूत नहीं हूँ। गॉड हो? नहीं, वो मेरे बॉस है, मैं एंजल हूँ। यहाँ क्यों बैठे हैं? गेट पास बन रहा है। आईडी नहीं है क्या? नहीं अभी तक नहीं बनी, इंटर्न हूँ, फर्स्ट असाइनमेंट। ये हेवन है या हेल? बच्चों के लिए हेवन या हेल नहीं होता, हेवन से भी प्यारी एक स्पेशल जगह होती है। सुनो जब अंदर पहुंचेंगे प्लीज मुझे अच्छी रेटिंग देना। एक शर्त पे। क्या? डांस करके दिखाओ तो देंगे।